हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है। आप देख रहे हैं इसके ग्रुप ब्लॉग चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग हम बताएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क अपडेट, जो कि सीतापुर की और सीतापुर से लखीमपुर के रूट पर जो भी कार्य चल रहा था उसमें अपडेट आई है और जो पोल्स की संख्या है बढ़ाई गई है वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। लास्ट पोल भी दिखाएंगे कहाँ तक ये पोल्स लग चुके हैं फिर से, और लास्ट पोल कौन सा था उसका भी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आप लोगों को। ये था लास्ट पोल, पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था और ये भी फिक्स कर दिया गया है। और अब चलते हैं मेन क्रॉसिंग की तरफ और उस साइड का सीन दिखाते हैं आप लोगों को, जहां से ये बढ़े हैं आगे की तरफ लखीमपुर रूट पर, वो सारे सीन दिखाएंगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं वो लास्ट वाला पोल था और जो हमने कई बार दिखाया था, और ये जो पोल दिखाई पड़ रहा है ये लास्ट है, और ये दूसरा जो पोल दिखाया गया ये वाला पोल ये है अभी स्टार्टिंग में फिर से लग गया है क्रॉसिंग के जस्ट पास, जो कि पड़ती है सीतापुर से लखीमपुर रोड पर क्रॉसिंग, और राजकीय पौधशाला क्रॉसिंग भी कहते हैं इसे, और नेपालापुर क्रॉसिंग भी कहते हैं इसे, मतलब तीन चार नामों से जाना जाता है। और ये बनी है राजकीय पौधशाला के जस्ट पास में, और ये देख सकते हैं पोल रोड के दूसरी साइड में लगा हुआ है और ये लखीमपुर का ट्रैक है इस साइड में। तो इस साइड में जो पोल्स लगे हैं और कितने पोल्स लगाए गए उनकी संख्या भी बताएंगे, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप लोग, अच्छे से एंजॉय करिएगा। सीतापुर देख सकते हैं राजमार्ग लिखा हुआ है और ये क्रॉसिंग है यहाँ की सीतापुर की। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मतलब सीतापुर की अपडेट दीजिए अपडेट दीजिए, तो ये सीतापुर की रही अपडेट। और कुछ ही समय में आप लोगों को सीतापुर से डालीगंज के मध्य में जो भी वर्क हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो भी दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपडेट दे पाएँ। अभी जो त्यौहार चल रहा है ईद का, और इधर देखेंगे रक्षाबंधन का, तो इसमें थोड़ा सा छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हैं वो चले गए हैं अपने अपने गाँव और घर, तो इसलिए काम जो है थोड़ा सा रोक दिया गया है। और इतने पोल्स को अभी लगाया गया आगे की तरफ, और उसके बाद जो भी अपडेट आएगी तो वो हम आप लोगों को कंटिन्यू अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ये है लखीमपुर का ट्रैक देख सकते हैं सीधा सा, और ये रही रोड, और इस प्रकार से यहाँ का लुक दिखाई पड़ता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे से सीन दिखाते हैं आप लोगों को जहाँ तक ये जो कवर किए गए हैं वो रही क्रॉसिंग, और यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, और ये पोल लगा है दूसरी साइड में लखीमपुर साइड में ट्रैक पर, तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर दूसरा पोल से यहाँ पर लगा है। और अगर बात करें तो ये रहा तीसरा पोल, और आगे चौथा पोल अभी दिखाएंगे, और फिर लास्ट पोल कहाँ तक लगा है, रामकृष्णपुरी सीतापुर में पड़ता है, और वहाँ तक पोल्स लगे हुए हैं, और लास्ट पोल दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रैक के साइड में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो बाउंड्री या फेंस बनाया गया है जिससे कि जानवर उस पर ना पहुंच सकें तब भी, लेकिन दूसरी साइड से जानवर जो ट्रैक पर आ जाते हैं। इस साइड में रोड बनाई गई बहुत अच्छी देख सकते हैं, और ये रहा चौथा पोल, इस साइड का चौथा पोल लगा हुआ है, और अगला है इधर, हाँ ये चौथा पोल अभी फिक्स नहीं किया गया इसीलिए तिरछा दिखाई पड़ रहा है, और आगे भी पोल्स लगे हुए हैं, और ये रहा पांचवा पोल जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। और ये पीपल के पास में भी एक पोल लगाया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है। और लास्ट पोल दिखाते हैं आप लोगों को, और उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, अगर आप लोगों को सीतापुर से कहीं जाना है उसके बारे में जानकारी चाहिए ट्रेन के प्रति, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उस पर वीडियो भी बनाते रहते हैं कि सीतापुर से जाने के लिए, जैसे हरिद्वार है, सीतापुर से जबलपुर, सीतापुर से गोरखपुर, ये सारी ट्रेन्स की जानकारी भी साथ में देते हैं, उनके प्रति हम वीडियो भी बनाते हैं, गाड़ी संख्या भी बताते हैं। ये लास्ट पोल लगा हुआ है देख सकते हैं, और यही थी अपडेट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।